मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाजुल हक है, मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। मेरे कोलीग ने मुझे बताया था डॉक्टर गिल के बारे में जो मैं यहाँ आया, बट जितना उन्होंने उसके बारे में बताया था उससे 100 times ज़्यादा अच्छा निकला है। रीसरफेसिंग हमने नाम सुना था, बट ये टेक्निक बिल्कुल अनोखा है, यूनिक है, जो कि देखने को मिला हमें और हम फील भी कर रहे हैं। फर्स्ट डे जब हमारा सर्जरी हुआ तो हमें लगा कि शायद ज़्यादा बुरा होने वाला है, बट सेकेंड डे जैसे डॉक्टर गिल हमें मिला और उन्होंने सजेस्ट किया, जैसे इम्प्रूवमेंट होने लगा तो हम 2 दिन में अपने आप को फील करने लगे कि शायद हम ठीक हो चुके हैं। डॉक्टर दीपिका से हमारी कंसल्टेंट हुई थी, डॉक्टर दीपिका से हम हमेशा कॉन्टेक्ट पे रहे और डॉक्टर दीपिका ने जो है हमें काफ़ी सपोर्ट किया और हर तरह की जो उन्होंने सपोर्ट किया उन्होंने, और एक एक चीज़ उन्होंने हमें डीपली बताया कि ऐसा कीजिए, ऐसा करने से ऐसा होगा, हाँ आपकी सर्जरी बिल्कुल इजीली हो जाएगा। वो मतलब बहुत सारी अच्छी गाइडलाइन दी उन्होंने, जिसके वजह से जो है हम आज हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। कट कितना लगा मुझे तो अभी तक फील भी नहीं हुआ, ठीक है ना, और ब्लड लॉस तो नहीं के बराबर है शायद, क्योंकि ब्लड लॉस तो मैंने देखा ही नहीं। आज 4th day है, 4th day में मुझे 90% मुझे लग रहा है कि रिकवर हो चुका ही है। और चूँकि पहले मैंने वॉकर से चलना शुरू किया, आज मैंने सिर्फ स्टिक पे चला है, जबकि दोनों नी की सर्जरी हुई है, एक होता तो थोड़ा सा इजी होता, पर दोनों करने के बावजूद भी जो ना हम स्टिक से आज कंफर्टेबल चल पाए। तो मैं तो ये कहूँगा कि हीलिंग हॉस्पिटल लोगों को आना चाहिए और अपने आप को एक बार दिखाना चाहिए और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए।